जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली जो आप सुन रहे हो कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, सर मेरिट ऐसे कैसे आइए, कईयों के नंबर ज़्यादा फिर भी नंबर नहीं आया है और कईयों के नंबर कम होते के बावजूद भी उनके पॉइंटों में नंबर कम है फिर भी उनका नंबर आ गया, इसका माजरा क्या है सर? ये मेरे को बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और जितने भी ऐसे जीडी में रह गए दोस्तों, पहले सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं फिर बताऊंगा कि जिनके नंबर आ गया उनका ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा और उनको किन किन बातों का आप ध्यान रखना है विशेष रूप से जब तक ज्वाइनिंग लेटर आए तब तक। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जिनका नंबर आ गया, सबसे पहले तो उनको और उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप फौजी बन गए हो, आधे तो आधे ट्रेनिंग के बाद बन जाओगे और आपको बहुत बहुत बधाई हो आपका आगे के जीवन के लिए। आपकी एक नई पहल शुरू हुई है फौजी जीवन से और अब आपका किस में सिलेक्शन हुआ ये नहीं देखना दोस्तों, ना इसके लिए निराश होना, जिसमें भी हुआ ऊपर वाले ने आपको उसके लिए बनाया है, ठीक है। सभी में देश सेवा का आपको मौका मिलेगा, ये सभी फोर्सेज है, तो आप असम राइफल, BSF, ITBP, CIA, सब चाहे CRPF, कोई भी आपको फोर्स मिली है सभी की अच्छी ड्यूटी है। इनकी ड्यूटीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा जल्दी कि इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, कितने अंतर है इनके बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके ज्वाइनिंग टाइम चाहिएंगे और जितने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगी और सभी ड्यूटीज़ के बारे में, इनके बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन इनके ट्रेनिंग सेंटरों के बारे में अब मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। लेकिन अब आज हम बात करते हैं केवल इसी टॉपिक पे कि सेकंड लिस्ट वाली, तो जिनके नंबर आ गए उनको बहुत सारी बधाई, जिनके नहीं आए दोस्तों उनको मैं एक चीज़ बता दूँ कि निराश नहीं होना है जीवन में, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं आए नई वैकेंसी RKSSGD की तैयारी करिए और नई वैकेंसी की तैयारी करिए, ओवरेज हो गए कोई बात नहीं, हारना नहीं ज़िंदगी, देखो ज़िंदगी उसी का नाम है जो जीता है, प्रॉब्लम किसको नहीं है, परेशानी किसको नहीं है। यहाँ दुनिया में ऐसा कोई इंसान शख्स मुझे ढूंढ के दिखा देना किसी तपस्वी के अलावा कि जिसको कोई समस्या नहीं। अगर आप जीवन जीते हैं, गृहस्थी जीवन जीते हैं, तो प्रॉब्लमों का सामना करना ही पड़ेगा। मानता हूँ आपके लिए कठिन समय, इस समय से मैं भी गुजरा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं खुद RPF SI में 0.004 से रहा, मैंने किसी को बताया भी नहीं आज तक। तो दोस्तों मैंने आज तक किसी को बताया भी नहीं है कि भाई मैं 0.04 नंबर से रहा, ठीक है, रह तो गया। अब अगर आप किसी को बताओगे तो जो आपसे जलन करने वाले हैं ना, वो बोलेंगे पता नहीं कितने नंबर से रहा होगा, कितने से रहा होगा, कितने से रहा होगा, ऐसा वो बोलेंगे, क्योंकि उनका काम ये, इस दुनिया में अधिकतर ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में, लेकिन वो दूसरों की कमियाँ बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, उनकी खूबियाँ नहीं ढूंढते। कमियाँ ढूंढने वाले इंसान बहुत है, मुझे पता है कि आपको बहुत ही कटाक्ष का सामना करना पड़ रहा होगा इस समय, लेकिन याद रखो दोस्तों उनका जुबान आप सफल होके ही कर सकते हैं, ठीक है। वो बोले उनको बोलने दो, उनका दिन आज आप सफल हो जाओगे ना, उस दिन उनके जुबान पे ताला लग जाएगा। इसीलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं है करना है जीवन में, कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी है, फिर से हार नहीं माननी है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन हार नहीं माननी है, ठीक है। अगर युद्ध मैदान में अगर कोई उतर जाए और कायर की तरह जो पीछे भाग जाए, उसका कहीं इतिहास में नाम नहीं है और साला उससे बुद्धिल इंसान कोई नहीं होगा, ठीक है। और जो जीतने की या मारने मारने की धार क्या था, वो जीतता है। अगर आप आज तैयारी शुरू करते हो, फिर से तैयारी करना, कोई बात नहीं, एक बार हार गए गिर गए तो फिर से उठो, इंसान हो यार, उठना है। उन लोगों के जबान पे ताला लगाना है जो लोग आपसे घृणा करते हैं। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों का यही है, अब आप ये बोलोगे ना किसी को मैं 0.4 से रहा, एक नंबर से रहा, दो नंबर से रहा, उनके आंसर ये रहेंगे अरे पता नहीं कितने नंबर से रहा होगा, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता। आपके घर वालों को भी ऐसे बोलेंगे, उनको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अपने घर वालों को आप मोटिवेट करें कि अगर मैं जॉब चाहता हूँ, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ फौज की, या तो अपने परिवार की स्थिति बदलने के लिए क्या हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ इसका मतलब लाखों 45 लाख लोगों के समथिंग लोगों में से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, 1 लाख लोगों में। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो आपको गुमराह कर रहे थे जो लोग, कुछ जो बोले थे 85,000 मेडिकल फील्ड कैंडिडेट ज्वाइनिंग, अभी पता चला ना 85,000 है या 1,09,552। मैंने पहला वीडियो बनाया था उस दिन बोला था कि कम से कम 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में कैंडिडेट्स मेडिकल फिट है। तब लोगों ने बोला था कि हम स्क्रीनशॉट रख रहे हैं आपका, जिस दिन पता चलेगा उस दिन आपको भेजेंगे। जिन्होंने स्क्रीनशॉट रखा ना, उनको कसम अपनी माँ की, मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजना वापस, ठीक है, कि जो मैंने बोला था वो हुआ था कि नहीं। बोल रहे थे ना 85,000 फिट है, लेकिन सांच को आँच नहीं है, वक्त आने पर पता चल जाता कि कौन सच बोल रहा कौन झूठ। तो जो लोग बवंडर बना रहे थे ना, उनके चैनल पहले ही बंद हो गए, आज तो बिल्कुल बंद हो गए हमसे, क्यों, क्योंकि झूठ कितने एक दिन बोलेंगे। साथ ही दोस्तों, तो आपको फिर से तैयारी शुरू करनी है, और जो कोचिंग वोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, और मेरा जो दूसरा चैनल है फौजी मेथ अकेडमी, उस पर भी मैं लाइव क्लासेस ऐसी शुरू करने वाला हूँ, जैसे मैं थोड़े से दिन
आप उधर जुड़ जाइए। थोड़े से दिन आपको मैं जिस प्रकार से अभी क्लास चल रही है वैसे चलाऊंगा, फिर आपको लाइव क्लास चलाऊंगा मैं मैथ रीजनिंग और शायद सब सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री, ठीक है। जैसे ही मैं एक बार घर चला जाता हूँ प्रोजेक्ट पे, शानदार से क्लासेस चलेगी तो कंटिन्यू चलेगी, चाहे मैं ड्यूटी में रहूँ चाहे कहीं पे भी रहूँ, आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस चलेगी उस पर लाइव। तो दोस्तों उससे जुड़ जाइए, फौजी मैथ अकेडमी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जितने भी दोस्त रह गए एस एस जी डी 2021 की RPF की, इनकी तैयारी फिर से शुरू कर दें, ठीक है। अब बात रही कि जो सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो दोस्तों पहले बता दूं मैं कि जो रिजल्ट किस आधार पर है, पहले इस गणित को समझिए आपकी रिजल्ट किस आधार पर है और क्यों हो रहा है कि जिनके नंबर ज़्यादा वो भी रह गए। और जो विथ हेल्ड वाले हैं उनको बता दूं, सबसे पहले विथ हेल्ड वाले 260 कैंडिडेट है, उसमें से 23 कैंडिडेट फीमेल और बाकी 237 कैंडिडेट मेल है। तो इनके क्या पंगा हुआ है, विथ हेल्ड का मतलब क्या है और उस लिस्ट में से अब इनका क्या होगा, आगे क्या प्रोसेस होगी। तो पहले मैं बता दूं आप 260 जो कैंडिडेट हैं इनका ये है कि इनके चाहे बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ मिस्टेक हुई है, फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, इस वजह से इनका रिजल्ट रोक लिया गया है। तो SSCGD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपसे फिर से कनेक्ट करेगा, आपसे वापस वेरीफाई करेगा, अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से रोका तो आपका बायोमेट्रिक से फिर से फिंगरप्रिंट टेस्ट होगा और आपका अगर होता है वेरीफाइड, सबसे पहले आपका जो बायोमेट्रिक टेस्ट होगा पेपर के टाइम उससे और अभी जो आप दोगे उसमें अगर मैच होगा तो आप पास हो जाओगे और आपका रिजल्ट, अगर आपके नंबर ज़्यादा है मेरिट से तो आपको कोई नहीं रोकता, आप फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप चिंता ना करें। जो विथ हेल्ड में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि SSCGD आपसे फिर से कनेक्ट करेगी, वेरीफाई करेगी और आपकी जो गलतियाँ वो सुधारेगी और वो गलतियाँ 100% सुधर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बोलोगे कि हमारे बाद में फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो अब कैसे होगे, वो पूरी कोशिश करेंगे साइड पूरा मतलब फिंगर का अलग से स्कैन कर करके कि आपके कैसे भी अगर मैच करते हैं तो वो ज़रूर मैच कराएंगे, अगर आप सही हो तो, अगर आप गलत हो तो मैच नहीं होगा। तो जो विथ हेल्ड में उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी लिस्ट ज़रूर आएगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपकी वेरीफाइड करेगा दोस्तों। इसके बाद में अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि 4 साल पुरानी वैकेंसी हो गई है, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट का जितने भी मेरे दोस्त रह गए चाहे 0.4 से 0.8 से 0.9 से 10 एक नंबर दो नंबर से, उनको मैं बता दूंगा वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, वेटिंग लिस्ट को बिल्कुल भूल जाओ, आप नए एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। वेटिंग लिस्ट जो भी वेटिंग लिस्टें आई आपको पता नहीं वैकेंसी तो आ गई है 25 मार्च से, अब ये नहीं होगा कि भाई नई वैकेंसी आ गई है तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है वेटिंग लिस्ट, लेकिन वेटिंग लिस्ट आने में भी एक एक दो दो साल का समय लगता है, जबकि आपका नया एग्ज़ाम अगस्त में है, 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में SSCGD का, तो आप उसकी तैयारी करिए, उस SSCGD जो अभी रिजल्ट आया है इसकी तैयारी कि भाई इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, इसके चक्कर में ना रहिए, दिमाग से निकाल दीजिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। फालतू की सांत्वना देने का कोई मतलब नहीं है आपको, और आपका जो कहीं भविष्य ख़राब कर लोगे इसके चक्कर में कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो मैं बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही नहीं आएगी, बिल्कुल आ भी सकती है, कोई चांस मान लो 10% चांस या 20% या 50% चांस हो कि आ भी जाए, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। अपनी मेहनत पे फिर से भरोसा करना, फिर से किताबें उठानी और तैयारी करनी है, इसलिए वेटिंग लिस्ट के बिल्कुल भरोसे नहीं रहना है कि वेटिंग लिस्ट आएगी सर या नहीं आएगी, ये क्वेश्चन अब आपके मुँह से मेरे पास में नहीं आना चाहिए, आप ये मान के चलिए वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, आती है तो ये आपकी किस्मत की बात है कि आती है और आपका सलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 4 साल पुरानी वैकेंसी है, इसमें काफ़ी पोस्टें खाली रह सकती है। अब जो ये बात बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी 60,000 के पास में है, लेकिन जो टोटल फिलअप हुई है 54,411 पोस्ट ही फिलअप हुई है, तो जो बाकी रह गई है 62,000-60,000 के आसपास में जो वैकेंसी, जो बाकी पोस्ट रह गई है 7-8 हज़ार, इनका क्या, तो क्या सेकंड लिस्ट आएगी? तो मैं बता दूं, एक तो आपको पता है कि केरला का रिजल्ट नहीं आया, वहाँ कोर्ट में रोक लगने की वजह से केरल स्टेट का रिजल्ट रोक दिया गया है, तो उसमें से कुछ पोस्टें तो उधर डिवाइड होगी, बाकी जो सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो एक तो सेकेंड लिस्ट इनकी वजह से आएगी, जो विथ हेल्ड वाले हैं इनकी वजह से लिस्ट तो सेकेंड लिस्ट आएगी। दूसरा, जो केरल में जो रोका है उनकी वजह से, तो उनका जब रिजल्ट आएगा तब भी सेकेंड लिस्ट आएगी, तो अब उसमें आप ट्राई करो नहीं करो, अब रिजल्ट किस आधार पर बना पहले मैं बता दूँ, आप देखना उसमें आपने पढ़ा नहीं होगा, उसमें साफ साफ लिखा हो, सबसे पहले कंप्यूटर जिनके नंबर ज़्यादा होते हुए भी नंबर नहीं आया उनका क्या रीज़न है, और जिनके नंबर कम है फिर भी पॉइंटों में नंबर कम है, जो फाइनल कट ऑफ हुई उससे नीचे फिर भी उनका नंबर आ गया, जैसे अगर 61 पे फाइनल में 61.5
5 पे गई है और जिनके 61.35 है उनका नंबर आ गया, जबकि 62 नंबर है या 62 से 16 से कम उनका नहीं है, उसका क्या रीज़न है? तो मैं बता दूँ, जो कट ऑफ गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि किस आधार पर फाइनल मेट बनी। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब जो आपसे कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो नंबर देखे गए हैं, उसके बाद में देखे गए हैं आपके ए, जो ए भाग है उसका नंबर, फिर बी भाग का नंबर, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और फिर अल्फ़ाबेट। इन पांचों क्राइटेरिया में आप फिट बैठा के फिर आपकी फाइनल मेरिट बनी है दोस्तों। जैसे अगर मान लो टाई हो गया, आपके मेरे भी 63 नंबर है, आपके भी 63 नंबर है, अगर टाई हो गया उस समय पर, तो फिर हमारे देखें ए भाग के नंबर। अब मेरे आपसे ए भाग में नंबर ज़्यादा है तो मेरा नंबर आ गया, अब चलो ए भाग के नंबर भी हमारे मैच का गए, दोनों के 10 नंबर ए भाग में। फिर देखें हमारे बी भाग के, अगर बी भाग में भी मेरे अगर पॉइंट मतलब दो नंबर ज़्यादा एक नंबर ज़्यादा तो मेरा हो गया आप रह गए। फिर होता है अगर इसमें भी मैच खा गए, फिर होता है डेट ऑफ बर्थ, जिनकी एज ज़्यादा जो ओवर एज होने वाले तो उनको इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और पहले उनको लिया जाता है। तो इस प्रकार से पहले उनको ले लिया गया है। फिर भी अगर रह गए, ये चारों चीज़ें मैच खा गई, तो उसके बाद में अल्फ़ाबेट पे करते हैं, जिनका नाम अल्फ़ाबेट से पहले आता है तो उनको पहले दी जाती है। इस प्रकार से ये रिजल्ट पूरा का पूरा रिजल्ट की जो गणित है इस प्रकार से बनी है दोस्तों। ये उसमें साफ साफ आप लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ भी लेना कि उसमें साफ साफ लिखा, जो पहली जो PDF आई है उसमें अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब सेकंड लिस्ट में आपको सभी ने उम्मीद बांध रखी है कि सर सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, सेकंड लिस्ट तो ज़रूर आएगी, लेकिन आप उससे उम्मीद ना करें कि उसमें आपका नंबर आएगा। जिनके पॉइंटों में भी अगर नंबर कम है तो आप उम्मीद ना करें, क्योंकि एक तो विथ हेल्ड वालों की होगी वो, दूसरी जो लिस्ट है वो होगी जो केरल स्टेट की, जो अभी नहीं आया है फाइनल रिजल्ट तो उस स्टेट का भी होगा। फिर भी अगर पोस्टें खाली रहती हैं तो किस हिसाब से उन्होंने किए, तो इसके लिए आप अभी से निश्चित ना हो कि सेकंड लिस्ट आएगी, इसके लिए अभी आप बिल्कुल ना सोचें कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। आएगी तो अच्छी बात है कि आए और जिनके पॉइंटों में नंबर कम है उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इसके लिए आप ऐसे इंतज़ार ना करें कि सेकंड लिस्ट आएगी दोस्तों, उसकी बजाय आप नई तैयारी करें, तैयारी करना शुरू कर दें। सेकंड लिस्ट आएगी ज़रूर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें किस किस का आएगा ये नहीं पता, केरल स्टेट की आएगी, विथ फेल्ड वालों की आएगी, और भी कुछ वैकेंसियाँ खाली रखी है उन्होंने जिसमें बोल रहे हैं वो, उसमें स्टार लगा लगा के आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जहाँ पर केस चल रहा है या कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न है उनकी वजह से, तो उनका ज़रूर आएगा। तो सेकंड लिस्ट तो आएगी, लेकिन वो आपके लिए होगी या नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है? एक तो केरल स्टेट विथ हेल्ड वालों की तो होगी होगी, लेकिन वो आपके लिए होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इसलिए अब जिसकी गारंटी नहीं तो फालतू की दिलासा नहीं, फालतू का कुछ नहीं, जो मिल गया उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं आज आपको उम्मीद बंधा दूँ कल फिर आपकी उम्मीद टूटेगी, फिर आप टूटोगे, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हार, अपनी हार को स्वीकार करो, आप में कुछ ना कुछ तो कमियाँ रही है दोस्तों, उसको फिर ढूंढो और दूर करो, ठीक है? कि मन्नतों के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, मन्नतों के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी, ठीक है? तो उस वो जब देगा जब उसकी मर्जी होगी। आपको नहीं मिली है कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट करो, अगले एग्ज़ाम की आप तैयारी करो। तो इसीलिए कोई बात नहीं, अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो और हो जाओगे आप पास, इस बार नहीं अगली बार से ही। अब सेकेंड लिस्ट के इंतज़ार में ना रहो, आएगी ज़रूर, मैं भी बोल रहा हूँ कि सेकेंड लिस्ट तो आएगी, लेकिन वो आपके लिए होगी ये ज़रूरी नहीं, इसका कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि 54,000 के आसपास वैकेंसी जो शुरुआत में जो वैकेंसी दी थी उसकी जो लिस्ट थी उसके हिसाब से वैकेंसी फिलअप है। और अब जो केरल स्टेट का छोड़ दिया और ये विथ फील्ड वाले छोड़ दिए, तो इनको मिला के सेकेंड लिस्ट बनेगी ज़रूर। अब वो आपके लिए एलिजिबल होगी तो अच्छी बात है, आपको भी उसमें अगर शामिल करें, मान लो किसी कारणवश जिनके जैसे विथ फील्ड वाले अगर मिसमैच हो जाए या केरल स्टेट में मेरिट का कुछ आंकड़ा इधर उधर हो, तो आपको मान लो सेकेंड लिस्ट मिल जाए तो आपकी आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन इस बार के लिए आप अगर रह चुके हो तो अब आप इस चीज़ को स्वीकार कर लो कि भाई मेरा नंबर नहीं आया और मेरे को फिर से तैयारी करना है। इस चक्कर में ना पड़े कि सेकेंड लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वेटिंग लिस्ट दो दो साल तक, तीन तीन साल तक भी नहीं आती, एक साल से कम पहले आती ही नहीं। तो उसकी बजाय आप नए एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। और दोस्तों रह गए कोई बात नहीं, जो लड़ता है वो हार भी जाता है, जीत भी जाता है, कुश्ती के मैदान में भी, दंगल में भी, बड़े बड़े पहलवान सूरवीर हारे हैं युद्ध मैदान में भी। तो इसलिए चिंता नहीं करना और मोटिवेट रखो खुद को, अपने परिवार को, उनको बोलो कि जब यहाँ तक पहुँचाऊँ अगली बार ये लेवल भी पार कर दूँ। और जो जिनके सिलेक्शन हो गया उनको ज्वाइनिंग लेटर की आग लगी पड़ी होगी, सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, इसकी भी आग लगी पड़ी होगी, पक्का 100% लगी पड़ी होगी। तो दोस्तों बता दूं आपका ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। अब आपको ध्यान किस बात का रखना, एक तो बाइक कम से कम चलानी है, हेलमेट पक्का यूज़ करना है,
ठीक है, बाइक जितना कम हो सके उतना बाइक से काम करना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने तो ध्यान से बनाना, अच्छे से रहना, बिल्कुल धीरे धीरे बाइक चलाना, 5-10 दिन के लिए कहीं चोट चाट नहीं लगाना है, इस बातों का विशेष ध्यान रखना क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है ये समय। तो अच्छे से, ये नहीं कि पागल हो जाओ, कुछ नुकसान कर लो अपना, नहीं, अच्छे से रहना और अच्छे से ध्यान रखना अपना। और आपकी जो जॉइनिंग है वो मान लीजिए 15-20 दिन के अंदर अंदर आपके जॉइनिंग लेटर आ जाएंगे आपके हाथ में, फिर उसके बाद में 20-25 दिन के बाद में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, उसमें लिखा आएगा कौन से अकाउंट और क्या खुलवाने, उसके मैं अलग से डिटेल आपको बना के वीडियो दे दूंगा दोस्तों। तो जो जिनके सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में अगले 15-20 दिनों के अंदर अंदर, 20 दिन मान के चलिए, 20-25 दिन के बीच बीच में आपके जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में आएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।